उन्होंने स्प्लिट किया। आजकल जो लोग आके स्प्लिट करते हैं, और अब आप देखिए ये डिपार्टमेंट के बाहर बैठे हैं अम्बेडकर भवन, सोशल जस्टिस यही है इसके बाहर बैठे हैं, और ये लोग जाते थे 1.5 किलोमीटर दूर टॉयलेट, फिर बीच में आया कि इनको उठाएंगे, पूरा पुलिस अमला आ गया कि इनको हटाएंगे। स्टेज के प्रधान सेवक ने 4 साल पहले कहा था कि स्टेज की जनता के लिए अच्छे दिन लाएंगे और इंडिया को इंक्लूसिव बनाएंगे। इंडिया को भी इंक्लूसिव सर्वसमावेशक तभी बन सकता है जब जो सबसे वल्नरेबल और एक्सप्लोइटेड तबके हैं उनकी जो पीड़ा है उसको सबसे पहले आप कंसिडर करें। यहां पर ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो डिफरेंटली एबल है या डिसेबल्ड है, उनको जो हम जो भी कहें, जो उनको सम्मानजनक लगे, उनको धरने पर बैठना पड़े सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की कंपाउंड के बाहर, ये इटसेल्फ ये अपने आप में राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के लिए शर्म का विषय है। इस देश की गरीब जनता, इस देश के एक्सप्लोइटेड मासेस, इस देश के वल्नरेबल तबके, इस देश के विकलांग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, इनको सामने से जाकर सरकार की एजेंसी को उनके सामने को प्रोएक्टिवली उनके सवाल को रिजोल्व करना चाहिए। यहाँ पर 64 दिन से बैठे या उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और सुनवाई करने के बजाय उनको धमकी दी जाए कि आज आपको खदेड़ेंगे, आपको डिटेन कर लेंगे। 23 साल से उनका बैकलॉग जो नहीं भरा जा रहा है, और हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो उनका तो बैकलॉग सालों से नहीं भरा है आपने, इनको तो दे दीजिए रोजगार। इनको तो आपको रोजगार इसलिए भी दे रहा है कि स्टेट के पार्लियामेंट ने कानून को पारित किया है, उसी कितनी होती है। तो इन विकलांग साथियों के लिए स्टेट छोड़ना ही छोड़ना है, 3% उनके लिए जगह रिजर्व रखनी ही रखनी है। तो सारा कानून तैयार है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हमारा संविधान है, मोदी जी के दावे हैं, इस बात का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा।